तो बेसिकली जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ओ है उसमें हम देखते हैं कि डी एस जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है डी एस को जब आप रीड करेंगे तो उसमें आप कुछ क्राइटीरियाज देखेंगे जैसे क्राइटीरिया ए देन बी एंड देन सी तो आपने इन तीनों क्राइटीरियाज को जो है वो पढ़ना है बिफोर डायग्नोसिंग एनी चाइल्ड विद द ओ तो जो नंबर ए है इसका उसके अंदर डीएसएम फोर के अकॉर्डिंगली के जो बच्चे का मूड है वो एग्रेसिव हो उसका बिहेवियर जो है वो आर्गोमेंटेटिव हो और जो वेंडिक्टिवनेस है ठीक है यानी जो मीनफुल बिहेवियर या हर्टफुल बिहेवियर है वो एट लिस्ट लास्ट करें सिक्स मंथ के लिए और उसमें एविडेंस होना चाहिए एटलीस्ट फोर सिम्टम्स का और फोर सिम्टम्स कौन से ये जो नीचे तीन मेन कैटेगरीज दी हुई हैं एंगर आर्गोमेंटेटिव और वनडिक्टिवनेस सो so, आपने इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपने ये देखना है कि जो बिहेवियर है इसका टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट लीस्ट सिक्स मंथस हो और उसके बाद ये जो थ्री मेन कैटेगरीज हैं उनमें से एटलीस्ट फोर सिम्टम्स जो हैं वो एग्जिबिट हो रहे हों यानी अगर उसका एग्रेसिव मूड की कंप्लेन है तो उसका जो टेम्पर टेंट्रम्स हैं वो एग्जिबिट हो रहे हों वो लोगों को ईजीली इन्वाय कर रहा हो एंग्री हो और रिजेंटफुल उसका बिहेवियर हो अगर वो आर्गमेंटेटिव या डेफिएंट बिहेवियर एग्जिपिट कर रहा है तो अथॉरिटी फिगर के साथ वो यूजुअली आर्गोमेंटेशन में जा रहा हो ठीक है जो रिक्वेस्ट हैं उनको कंप्लाई ना कर रहा हो और जान के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा हो या डेलिब्रेटली उन्हें एनॉय कर रहा हो इसके अलावा जो अपनी मिस्टेक्स हैं उनका ब्लेम दूसरों पर शिफ्ट कर रहा हो इसी तरह जो इंडक्टिव बिहेवियर है जो मेन बिहेवियर है वो एटलीस्ट दो दफ़ा वो प्रेजेंट करे एट सिक्स मंथ में लास्ट सिक्स मंथ में ठीक है तो अगर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो बिहेवियर हैं वो सिर्फ एंगर में से आएँ ऑर्गोमेंटेटिव में से आएँ या विकटिव में से आएँ इन टोटल एट बिहेवियर्स में से कोई भी चार बिहेवियर जब वो एग्जिबिट करेगा और फ्रॉम लास्ट सिक्स मंथ होगा तो हम कह सकते हैं कि इस बच्चे को जो है वो ओडीडी का प्रॉब्लम हो रहा है इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ये देखना है कि जो छोटे बच्चे हैं चिल्ड्रन यंगर देन एज फाइव उनके अंदर जो बिहेवियर है विंडिक्टिवनेस का वो पास सिक्स मंथ में मोस्ट ऑफ द डे जो है वो प्रेजेंट हो रहा हो ठीक है और वो इंडिविजुअल जो फाइव ईयर और ओल्डर हैं उसके अंदर आपने नोट करना है कि एटलीस्ट वंस पर वीक जो है वो सिक्स मंथ के अंदर एग्जिबिट हो रहा हो अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका फायदा ये होता है कि ये हमें इंटेंसिटी ऑफ द डिसऑर्डर बताती है कि जो प्रॉब्लम है वो माइल्ड लेवल पे है मॉडरेट लेवल पे है या सिवियर लेवल पे है तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग देन जो बी क्राइटेरिया है कि द डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर इज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रेस इन द इंडिविजुअल और अदर इन हिज और हर इमीजिएट को सोशल कॉन्टेक्स्ट ठीक है जिस तरह हम बात करते हैं कि कोई भी डिसऑर्डर जो है वो हम उस वक्त तक नहीं किसी भी बिहेवियर को डिसऑर्डर कहेंगे जब तक एग्जिबिट ना हो रहा हो उससे डिस्ट्रेस तो ये जो चीज़ है ये डिस्ट्रेस uh, एग्जिबिट करी होगी उसकी इमीडिएट फैमिली के अंदर एज वेल एज उसके सोशल और एजुकेशनल जो उसका सेटअप है उसके अंदर ठीक है और उसके बाद नंबर जो सी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डिसऑर्डर है ये किसी भी साइकोसिस के रिजल्ट में सब्सटेंस यूज़ के रिज़ल्ट में डिप्रेशन या बाइपोलर के रिजल्ट में ना एग्जिबिट हो रहा हो जिस तरह हमने अक्सर ये पढ़ा है बुक्स के अंदर कि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं खासतौर पे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी इरेटेबिलिटी का जो फैक्टर है वो आ रहा होता है तो यू नीड टू बी क्लैरिफाई इन दिस थिंग कि उसका ये जो बिहेवियर है वो किसी और डिसऑर्डर की वजह से एग्जिबिट नहीं हो रहा